दोस्तों इन दिनों एक से बढ़कर एक ट्रेलर व फिल्में रिलीज हो रही हैं, कभी बॉलीवुड की तो कभी हॉलीवुड की। इन्हीं के बीच गाइस कनाडा इंडस्ट्री से टॉबी फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जो दोस्तों तगड़ी थ्रिलर फिल्म लग रही है। अब तो दोस्तों कनाडा वाले भी धमाका मचाने के लिए आ गए हैं टॉबी फिल्म को लेकर। गाइस 2023 बहुत ज्यादा धमाकेदार है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फिल्में व ट्रेलर देखने को मिले हैं अच्छे अच्छे। दोस्तों बात करते हैं टॉबी के ट्रेलर की। टॉबी के ट्रेलर की शुरुआत एक डायलॉग से होती है। एक शादी का माहौल है, एक बकरे की बलि हो रही है वहाँ, मगर दोस्तों वो बकरा वहाँ से किसी तरह भाग जाता है। दोस्तों जिस बकरे की बलि दी जानी है, किसी भी हाल में वो गांव से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर वो बकरा वापस आएगा तो बकरा नहीं रहेगा, वो मारी बनकर लौटेगा। गाइज टॉबी फिल्म के इस डायलॉग ने एकदम वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। दोस्तों मारी का मतलब होता है मौत के देवता। इस डायलॉग से ये फिल्म यहाँ पर बकरे और फिल्म के नायक के बीच पैरेलल बिल्ड कर रही है। गाइज आप सोच रहे होंगे कि हमारा नायक कौन है? अपना नायक टॉबी भाई है। टॉबी एक छोटे से गाँव में रहता है, कोई इसे बेवकूफ बोलता है तो कोई इसे मंदबुद्धि। टॉबी एक नेता के लिए काम करता था, वह एरिया का लोकल नेता टॉबी से सारे गलत काम करवाता था। पर दोस्तों इसी बीच कुछ ऐसी घटना होती है कि सब कुछ बदल जाता है। ऐसी घटना जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, वही दोस्तों टॉबी भाई भी गायब हो जाते हैं। वही दोस्तों मारी लौटता है बदला लेने। इसका जवाब ट्रेलर में नहीं, फिल्म देखने पर ही पता लगेगा दोस्तों आपको। यह तो दोस्तों ट्रेलर में टॉबी भाई की एक्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी लगी, बहुत ज्यादा एक्शन किया टॉबी भाई ने। और हाँ गाइस, टॉबी भाई और मेरे बारे में क्या बोलती पब्लिक, घंटा फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को। कनाडा इंडस्ट्री ने इससे पहले भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दी हैं दोस्तों, और अब दोस्तों टॉबी फिल्म लेकर आ गए हैं कनाडा वाले। दोस्तों टॉबी फिल्म 25 अगस्त को थिएटर में रिलीज होगी, और दोस्तों बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि यह फिल्म बस कनाडा में रिलीज होगी। और दोस्तों एक खुशखबरी भी है, राजवी शेट्टी ने कहा है कि अगर फिल्म को कनाडा में अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो फिल्म को सभी भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। दोस्तों टॉबी का ट्रेलर कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताएं, और हाँ दोस्तों टॉबी भाई के लिए एक दिल से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टाइम, अलविदा, मिलते हैं दोबारा किसी नई फाड़ तोड़ के साथ।